हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो मैंने अपने चैनल पे काफी वीडियोस कम्युनिकेशन के ऊपर बनाई हैं बट फॉर्मल और इनफॉर्मल के ऊपर काफी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेज होते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आज उसी के बारे में बात करेंगे लेट्स बिगिन

इट इज द कोर टूल दैट प्लेज अ व वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ तो सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की ही वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो भी करती हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कोलेप्स भी कर जाती है बिकॉज उनका कम्युनिकेशन काफ़ी पुअर होता है तो इन एनी ऑर्गेजन देर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ दो ही तरह के कम्युनिकेशन चैनल मेनली होते हैं दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल और आज इन्हीं इन्ही दोनों के बीच में सारे तरह के डिफरेंसेस डिफरेंसेस के के बारे बारे में में बात बात करेंगे टोटल 10 के बारे में बात करेंगे तो वन बाय वन शुरू करते हैं लेट्स लेट्स बिगिन टॉक अबाउट द फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस तो पहला डिफरेंस है अ सेट ऑफ कमांड्स इज फॉलोड फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन वेयर एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमेशा एक सेट ऑफ कमांड्स के फॉर्मेट में चलता है वो काफी फॉर्मल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में चलता है जबकि जो इनफॉर्मल होता 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 है वो वो उसका उसका कोई होता, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं नहीं शेप किसी भी तरह से फ्रीली मूव कर सकता है राइट right? तो फॉर्मल हमेशा एक एक चेन में चलेगा एक कमांड्स में चलेगा जबकि इनफॉर्मल हमेशा फ्रीली हो सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है कोई भी किसी से कोई भी बात कर सकता है इनफॉर्मल लेवल पे सेकेंड अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है उसका रीज़न क्या है ये चूंकि मैंने आपको बताया कि एक हिरारकी में चलता है एक सेट ऑफ कमांड्स में चलता है तो इट विल ऑलवेज फॉलो अ पाथ एक पाथ को फॉलो करता है इसी वजह से टाइम लगता है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में बी से सी पॉइंट जाने में इसको हमेशा टाइम लगेगा वेराज जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो उसमें कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला बहुत कम टाइम में वो तुरंत बहुत जल्दी फैलता है मतलब कि वो र्यूमर की तरह होता है एक तरह से ग्रेप इसको आप कह सकते हैं जो बहुत जल्दी फैल जाता है लोगों में आ, आपको पता ही नहीं चलेगा उसका सोर्स क्या है कहां से आया किसने किसको बताया बहुत मुश्किल है जानना फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन हैज इट्स स्कोप रिस्ट्रिक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के विद इन बाउंड्रीज में ही होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा तो वो उसी के स्कोप में लिमिटेड रहेगा लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं है हो सकता है कि कई लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी बात के लोगों से भी बात करते होंगे तो वहाँ भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी फिर उससे भी आगे पहुंच जाएगी तो इनफॉर्मल का कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी अ हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी इज मेंटेन फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन वेर आज इट्स नॉट गारंटेड फॉर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अब जो चौथा डिफरेंस है वो ये है रिलेटेड टू सीक्रेसी है तो ऑब्वियसली अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चूंकि एक कहते हैं ना अथॉरिटी टू रिस्पॉसिबिलिटी वाले डायरेक्शन में जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहीं ना कहीं फ्लो करता है तो उसमें एक सीक्रेसी भी मेंटेन की जाती है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किसको देना है किसको नहीं देना है कौन सी चीजें किसको बतानी है किसको नहीं बतानी है वो उसका मेंटेन किया जाता है जबकि ऑन द अदर साइड जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि उसको एक सीक्रेसी ही मेंटेन किया जाएगा ऑल काफी लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं इनफॉर्मल लेवल पे कि प्लीज ये वाली बात किसी को जाके बता मत देना भाई कि मेरे को किसने बताया बट ऐसा होता नहीं है लोग उस बात को तुरंत सुनते हैं और जाकर दो लोगों को और बता देते हैं चार लोगों को और बता देते हैं ऐसे करते करते पता चलता है शाम को हर बंदे को वो बात पता होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डि डिजाइंड एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल वेयर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अकर्स नेचुरली अब ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन के ही टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ही लेवल्स में कम्युनिकेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है ऑन द अदर साइड इनफॉर्मल को इस तरह से कुछ डिजाइन नहीं किया जाता यह नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रो करता है ऑर्गेनिक लिए ही खड़ा होता है इसको आप रोक भी नहीं सकते इट्स वेरी डिफिकल्ट कंट्रोल इनफॉर्मल मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वो है कम्युनिकेशन उसको रोकना मुश्किल, it's very difficult. बहुत मुश्किल है इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करती है और उसके काफी तरीके होते हैं उसको भी रोकने के कभी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रोकने के क्या तरीके होते हैं और रोकने की काफी कोशिश भी की जाती है कई ऑर्गेनाइज में जहां उनको लगता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को काफी नुकसान करा सकती है बट फिर भी ये नहीं रोके कुछ और डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हमेशा आपके पास एक एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि आप उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हो इन टर्म्स फाइल्स इन टर्म्स ऑफ योर पेपर वर्क करते हो उस चीज का ताकि लोग उसको बाद में रेफर कर पाए बहुत सारे नोटिस निकलते हैं मेमोज निकलते हैं मीटिंग्स के नोट की मिनट्स बनाए जाते हैं सबको रिकॉर्ड किया जाता है सो दैट की उसको बाद में रेफर किया जा सके ऑन द अदर साइड ऐसा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता कोई किसी को किसी बात को बताते समय कोई डायरी में नोट नहीं कर रहा होता स्लैंग वर्ड्स आर नेवर used इन फॉर्मल कम्युनिकेशन हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी कोई स्लैंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसे बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कई बार तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेट करते समय बहुत सारे एब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि फॉर्मल का कभी पार्ट नहीं हो सकता नेक्स्ट डिफरेंस हमारा आ जाता है दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली चूँकि ये विदिन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है इसमें कोई स्लैंग नहीं होता एक स्ट्रक्चर में फॉलो होता है इसीलिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के तरह इसको काउंट किया जाता है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप पॉइंट एक rumor की तरह इसको देखा जाता है ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ जाएगा किसने किसको कहा आपको पता नहीं चलता एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो जितने भी बिजनेस लेटर्स लिखे जाते हैं रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं ऑर्डर्स मेमोज वो सभी एप्लीकेशंस वो सभी

आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कैसे देखते हो क्या आपको वो पॉजिटिव लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वो आपको नेगेटिव लगता है और इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे किसी शॉर्ट वीडियो में कि क्या ये फॉर्मल है या ये अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब